देखिए, एक 5 साल पुराना क्वेश्चन है, 2015 में नेट में ही आया हुआ सी पार्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दिया है और सी पार्ट में आया है, इसलिए ये क्वेश्चन एक बार रीड करता हूँ। ठीक है, रीड कर देता हूँ, देखो क्या लिखा है। इन अ कंडक्टोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड, द फॉलोइंग वैल्यू वेयर ऑब्टेंड इन 4 सेट्स ऑफ मेजरमेंट, 1.71 × 10⁻⁵, 1.77 × 10⁻⁵, 1.79 × 10⁻⁵ एंड 1.73 × 10⁻⁵। फिर बोलता है, द स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी इन द रेंज ऑफ, द स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी इन द रेंज ऑफ, पहला ऑप्शन है ये, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। मतलब एक रेंज पूछा है, यहाँ से यहाँ फिक्स वैल्यू नहीं दिया है, थोड़ी बहुत गलतियों को वो कंसिडर किया है, कहने का मतलब। अब थोड़ी बहुत गलतियाँ क्या, कभी हम एन लिखते हैं, कभी एन माइनस वन लिखते हैं नीचे डिवाइड में, तो वो एन लिखो तो भी इस रेंज में आएगा, एन माइनस वन लिखो तो भी इसी रेंज में आएगा, मतलब दोनों फॉर्मूला से आंसर सही आएगा। अब इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन जरूर बड़ा दिख रहा है, बट है नहीं उतना बड़ा जितना ये दिखाई दे रहा है। बहुत ईजिली सॉल्व हुआ था, लेकिन जो डर के मारे छोड़ दिए वो लोग का नंबर गया। जरा देखिए कैसे, मैं एक टेबल जैसे बना लेता हूँ, इजी होगा, है ना। टेबल जैसे कैसे भाई, मेरे पास जो डाटा है 1 2, है ना, यहाँ से 1 2 3 और 4, चार डाटा है, तो चार पॉइंट लिख दिया। पहला वैल्यू क्या है, 1.7 × 10⁻⁵। दूसरा जो डाटा है, 1.77 × 10⁻⁵। तीसरा डाटा है, 1.79 × 10⁻⁵। चौथा डाटा है, 1.73 × 10⁻⁵। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, इतना हो गया, उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं उसको समझिएगा, कि इस डाटा को अब हम पहले की तरह मीन पहले निकाल लेते हैं, यहाँ से मीन पहले निकाल लेंगे, है ना। मीन वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगा, थोड़ा सा ऊपर सरका लूँ, ये लीजिए। क्वेश्चन सब लिख लिए हैं या नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर सरका दिया हूँ ताकि जगह पूरा यूज कर सकूँ। ठीक है भाई, चले देखें, ये 1.7 × 10⁻⁵, 1.77 × 10⁻⁵ है, और 1.79 × 10⁻⁵, 1.73 × 10⁻⁵। तो पहले तो मीन निकाल लिया जाए, है ना। मीन तब तो डेविएशन निकालेंगे, तो मीन को मैं नीचे लिख देता हूँ, क्या निकल रहा है मीन को, उसको नीचे लिख देता हूँ। जरा देखिए तो मीन कैसे निकलेगा भाई, यहाँ सबको जोड़ के 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 4, चार डाटा है, तो पहले डायरेक्ट जोड़ता हूँ मैं और 4 से डिवाइड करता हूँ। देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 है, 7 9 3, 9 9 3 12, 12 और 7 19 हो जाएगा, 9 हो गया। और फिर देखो 7 7 7 7, हाँ, तो 7 4 28 हो गया, 28 में एक जोड़ दो पहले सब जो बचा हुआ है उसको, तो ये हो जाएगा 29, 2 बचा, तो 1 2 3 4 और 2 6 6.99, डिवाइड बाय 4 करिए आंसर क्या आता है देखते हैं। तो 1.4 × 4, 1 बचा, 2 बचा और 29, 4 7 28, है ना, तो 1 बचा 19, 4 4 16, 3 बचा, 4 7 28 और 5, ये लीजिए, ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो राउंड अप में अगर बोलो तो 1.75, है ना, इतना ज़्यादा वैल्यू तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो राउंड अप में लिख लेते हैं कि 1.75। ठीक है, और जो पावर है वो कहीं नहीं जाएगा, पावर यहीं पर रहेगा, 10⁻⁵, 10⁻⁵। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू हमको मिल गया क्या, 1.75 × 10⁻⁵, दिस इज मीन, याद रखें ये क्या हो गया, मीन, ये आ गया मीन वैल्यू, ये लीजिए मीन हमारे पास आ गया है। अब थोड़ा सा इसको विराम देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आगे देखें, ये जो हम आगे बढ़ाएंगे तो मीन आ गया, अब हम डेविएशन निकालते हैं। मीन के बाद क्या निकालें, डेविएशन। तो देखिए डेविएशन कैसे निकलेगा, है ना, तभी तो काम बनेगा। अब डेविएशन के लिए फिर से वैल्यू हमारे पास 1.75 है, राउंड अप में किया हूँ, तो देखिए 1.70 और 1.75 डेविएशन निकालते जाइए, 0.75 और 70 है, तो 0.05 करो, ये लीजिए
0.05, ठीक है ना, ये 1.71 था क्या जी, हाँ 71 है, देखो 71 है ये, तो जब जोड़ूंगा तो 71 का भी थोड़ा सा असर दिखेगा, हाँ ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 71 है तो ये हो जाएगा 74। मीन में देख लेना थोड़ा सा चेंजेस आएगा, तो ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, मीन वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो हमने राउंड अप तो कर ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 71 है तो 1.04। अब यहाँ पर 0.02 आएगा, देखो 79 है या 75 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0549, ये 4 सही है, सही है। फिर यहाँ पर 73 है तो 3 × 5 0.02, और सब में 10^-5 ये कंपलसरी जुड़ते जाएगा, 10^-5 10^-5 ये हो गया डेविएशन, ठीक है। डिवीजन के बाद हम करते क्या है नेक्स्ट स्टेप में, डिवीजन के बाद हम लोग क्या करते हैं, मीन डेविएशन निकाल देते हैं। मीन डेविएशन की ज़रूरत है क्या, फॉर्मूला को देखिए जरा, मीन डेविएशन की ज़रूरत है तो करेंगे, नहीं तो नहीं, है ना। तो डेविएशन के बाद मेरे ख्याल से मीन डेविएशन की ज़रूरत नहीं है, मीन निकालना था डेविएशन निकालना था, हाँ इस डेविएशन का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये देखो डेविएशन का स्क्वायर करता हूँ, तो डेविएशन का स्क्वायर करूँगा क्या होगा भाई, यहाँ से देखते चलना, डेविएशन का स्क्वायर करूँगा तो ध्यान देना 0.0016 हो जाएगा इंटू 10^-10 हो जाएगा, सही है ना, ये 0.00 2 × 4 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 0.0010 और आएगा 0.04, इस 0. इतने का स्क्वायर कर रहा हूँ और 5 का सीधा स्क्वायर करके 10, इस तरह 0.0016 इंटू 10^-10 और 0.0004 इंटू 10^-10 इस तरह होगा, ये हो गया। अब इसको समेशन करना है, समेशन फॉर्मूला में है, समेशन करना है, इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो देखो क्या क्या आएगा, तो जोड़ने के बाद की बात है, ठीक है, जोड़ने के बाद की बात क्या कर सकते हैं, इसे जोड़ के फॉर्मूला है ना भाई, इसको बाद जोड़ना है इसको, फिर एन से डिवाइड करके इस, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के स्क्वायर को अब क्या करेंगे, समेशन करेंगे, तो ज़रा देखिए यहाँ से 6 6 4 10 6 6 12 4 8 20 20 × 0 यहाँ से 2 2 × 2 = 4 और 2 0 और पीछे है, ठीक है, क्लियर है, इंटू 10^-10। तो अगर मैं इसको इधर मिला देता हूँ, इस 10^-10 को, तो 1 2 3 है ना, 1 2 3 हो जाएगा और 4 × 10^-10। अब देखो 1 2 3 तो 3 मिलके यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 − 13, ठीक है, क्लियर है, −13 होगा ना भाई, और −13 नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, −14 करना चाह रहा हूँ, तो 40 कर देता हूँ, ये लीजिए −14 हो जाएगा, यहाँ तक ले आया। अब ये तो टोटल हो गया है, हमने टोटल जोड़ दिया, अब सीधा स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला में रखते हैं, जरा रखिए तो जरा देखते हैं क्या आता है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला में रखने के बाद ये आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन में सीधा सीधा फॉर्मूला को देखिए, आपने डिविएशन का स्क्वायर निकाल लिया है और स्क्वायर निकाल के जोड़ भी लिया है, अब जोड़ने के बाद 40 × 10^-14 आया है डिवाइडेड बाय, अब एन का वैल्यू क्या ले, एन का वैल्यू यहाँ 4 डाटा दिया है, पे 4 डाटा दे रखा है, तो मैं सीधा n ही रख देता हूँ, n माइनस 1 नहीं कर रहा हूँ, n रखता हूँ, तो यहाँ से देखो कट के कितना बचाएगा, 10, और अच्छा रूट करना बाकी है, 1/2 पावर है ना, तो ये 10 बच जाएगा इंटू 10^-14 है और पूरे का रूट है, तो 10 का अब हमको रूट करना है, तो 10 का रूट आप देख लीजिएगा है ना कितना आता है ना भाई, 10 का रूट कितना आता है वो हम देख लेंगे, तो 10 का रूट और ये 14 है, तो 14 का रूट करेंगे तो ये हो जाएगा −7 पावर, और 10 का रूट करिएगा तो 2 × 2 = 4 होता है, 3 × 3 = 9 होता है, 3 something आएगा, 3.16 something, ठीक है। अब ये आप लोग देखेंगे इसको, इतना आ रहा है मेरे पास, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। अब लेकिन इसको थोड़ा सा मुझे ऑप्शन में सारे −5 पावर में है, तो −5 पावर करने के लिए वापस कर देता हूँ, 2 पोजीशन पीछे सरकाता हूँ, 0.316 × 10^-5 हो जाएगा,
दो क्वेश्चन पीछे से रखा है, माइनस पावर को यहाँ ला लिया। अब देखिए तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास, ये एग्जैक्ट आंसर है यार, है ना। अब ये किस किस ऑप्शन के बीच में है वो आप चेक कर लीजिए और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जरा देखिए तो भाई यहाँ से क्या क्या, यहाँ से ये सॉल्यूशन का हिस्सा है ना, ये इतना सॉल्यूशन का हिस्सा है, ठीक है। छोटा छोटा लिखा हूँ, जगह कम इसलिए, और क्लियर लिखा हूँ, ज़्यादा घूम कन्फ्यूज़न नहीं किया, ठीक है। ये लीजिए ऐसा, हाँ बताइए तो जरा, 0.0316 इंटू 10^-5, तो ये देखो 03 और 039, मतलब 3 से 3 के रेंज में है, और ये तो कम है, ये भी कम है, और ये ज़्यादा हो गया है, ये है सी ऑप्शन। तो हमारे पास सी ऑप्शन सही है और ये फाइनल आंसर आ गया है। ये तो मैं समझाते भी क्यों हूँ, इसलिए काफ़ी समय लिया होने, तो मैं बहुत सारा जंप कर सकता था, बहुत सारे स्टेप जंप कर सकता था, और जल्दी विद इन 1 से 2 मिनट के अंदर ये आंसर आ सकता है। तो छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है कहने का मतलब, ये दिख जरूर रहा है भारी भरकम, बट छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है?